आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश का हाल किस तरीके का है। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से होते हैं जीरो पॉइंट पर एक्सीडेंट। जीरो पॉइंट झुमका चौराया ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का बड़ा बना हुआ है अड्डा। अफसरों के बंगलों, दफ्तर, सुरक्षा बलों की कॉलोनियां और कैंपों के आसपास के अलावा गुलाम जनता की हिफाजत के लिए सड़क हादसों को रोकने के पुख्ता इंतजाम ना होना और डग्गा मार जीप टेम्पो ऑटो को पुलिस के नियमित सेवदाता होने का खामियाजा गरीब जनता को ही भुगतना पड़ता है। आज सवेरे सवेरे ही बरेली के दिल्ली रोड जीरो पॉइंट पर सवारियों से लेकर जा रहा टेम्पो सड़क पार कर रहा था। जीरो पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मार दी टक्कर। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से ड्राइवर कंडक्टर फरार हो गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए। एक सवारी को ज्यादा चोट आई है जिसको गंभीर अवस्था में ट्रैफिक पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल में भेजा, जबकि घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में एक बड़ा कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से पीड़ितों को सरकारी अस्पतालों में ना भेजकर प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है। एम्बुलेंस ड्राइवर और पुलिस का एक ऐसा नेटवर्क है जो चोटिल मरीजों को अपने कमीशन के चक्कर में लूटने पर विश्वास करते हैं। हम आपको बताते चलें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बरेली में ये गोरख धंधा चल रहा है और सड़क हादसे में लोगों की जान चली जाती है। आप खुद देख भी रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस ना होने के कारण ये हादसे होते हैं, क्योंकि जो चौराहे हैं उन पर ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई नहीं देगी और इस वजह से दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने के कारण कई हैं, लेकिन इस पे ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल गुम रहती है क्योंकि अवैध उगाही में वो अपना विश्वास समझती है। ये देख लीजिए, ये वही ट्रक है जिसने टेम्पो को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। आगे सुनिए किस तरीके से जनता कैसे परेशान है इन लोगों से। हम आपको बताते रहेंगे, इस तरह की खबर बताते रहेंगे। देखिए कहाँ थे जब एक्सीडेंट हुआ था? आप यहाँ मौके पे नहीं थे? नहीं, आप मौके पे नहीं थे, आप तो बाद में आए। चलो, कहाँ थे जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था? यहाँ मौके पे। और बाकी होमगार्ड वगैरह आपके कहाँ थे? वो मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, पॉइंट में वो है, वो सामने खड़ी गाड़ी में था। बिल्कुल एक्सीडेंट मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, मौके पे ही मौजूद। बिल्कुल ड्राइवर कंडक्टर जो भागे, ड्राइवर कंडक्टर दोनों भागे, बाकी घायल जितने हुए उन्होंने उठा। कितने घायल हुए भैया? घायल हुआ। कहाँ किए? आपके सामने खड़े, इधर खड़े। कहाँ भेज दिया उनको आपने? एम्बुलेंस में भेज दिया। कौन सा अस्पताल? अस्पताल नहीं, किस अस्पताल भेजा है? अभी थोड़ी देर बता देंगे नंबर।